तो एक कंस्पिरसी थी अनपॉपुलर ओपिनियन आई बिलीव इन इज के आई बिलीव मैन हैजर लैंडेड ऑन एकजर लैंडेड ऑन द मून अभी आपने मुझे पिछले पिछले टॉपिक में बताया हाँ, हाँ, कुछ के इंडिया, in, इंडिया चांद पे पहुंच गया तो <laughs> जब आप लेकिन इंडिया... इंडिया चांद पे पहुंच सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं पहुंच सकता चांद पे इंडिया uh, मैन इंडिया चांद पे पहुंचा है

<laughs> नहीं था ने <laughs> दर्जी जरूर था आई जस्ट फील कि देखो एक, एक लॉजिकल एक सेंस बात होती है ठीक है एक तो हमने एक चीज मैंने नोटिस की है यूके के के भी और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि और हम मैं मीडिया में भी काम करता न्यूज चैनल से भी मेरा ताल्लुक रहा है कि आई आई बिलीव के आ, जो आपको हमेशा दिखाया जाता है चैनल पे या इधर उधर वो वही नेरेटिव होता है कि जो गवर्नमेंट आपके गले में घुसाना चाहती है ठीक है और गवर्नमेंट जो उन होती है वो डिफरेंट टाइमों पे उनके डिफरेंट मफादत होते हैं जैसे कि इस कंट्री ने यूके ने जब इराक वॉर पे जाना था तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मीडिया में चीजें फैलाई गई जिसमें बताया गया कि जी अगर हम इराक नहीं गए ना तो इराकी यहाँ पे आके ना हमें ख़त्म कर देंगे एंड देन दे वेंट टू इराक इन्होंने वो कंट्री डिस्ट्रॉय करके रख दी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एंड देन दे सेड सॉरी वी डिड नॉट फाइंड एनी वेपर्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन योर सॉरी आई एम अफ्रेड इज़ नॉट गुड इनफ टॉपिक to चांद पे हमें बताया जाता है बचपन में हमने स्कूल की किताब में कि उर्दू में नील गए थे कि जी, he was the first person with buzz here, जो भी उसके साथ गया 1969 ठीक है वहां पे नासा वाले चले गए थे ठीक है, तो और you know, बाय द कोई नहीं गया आज तक

दे हैव नून तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे यूएसएसआर रशिया और अमेरिका की कोई पॉलिटिकल कोई ये स्पेस वॉर चल रही थी कि कौन पहुंचता है कौन क्या करता है एंड इट वाज वॉजिक पॉलिटिकल स्टेप बाय जोन ऑफ कैनडी लेकिन इंसान आज तक मून पे नहीं गया वरना अब ना

नहीं पिता तो क्या मैंने एक उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जहां पर ही डिड हिज फोर एक्सपेरिमेंट्स रॉकेट बनाने में आई माइट टेक्निकली रॉन्ग लेकिन उसका जिस्ट यह था समरी थी कि ही जब मेरा तीसरा या चौथा मुझे फेलियर हुआ तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिशल्स थे जिनके अंदर जिनकी स्पेस रिसर्च बहुत ज्यादा थी नीलाम स्ट्रॉन्ग वॉज इन दैट बोर्ड दैट वी टोड फॉर द फंडिंग डिसीजन टू ए मस्क मास्क इसको दोबारा से फंडिंग uh, की जाए आ, 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 तो

तो ये नहीं कि मैं खुद मुंह उठा के बोल दिया कि जी नहीं जी नहीं गए एंड देन व्हेन यू एनालाइज थिंग्स इट डज मेक सेंस मैं तो एक बहुत बेसिक आपको एक फैक्ट बता रहा लगता है भी एक, uh, सब को पागल बना रहे हैं। जी बिग गई गवर्नमेंट बिग गई गवर्नमेंट सीरियसली यू बिलीव दैट आई मीन आई मीन This belief doesn't affect my life, but अगर आपको लगता है कि क्या आपको लगता है चांद पे कोई गया होगा तो मुझे लगता है नहीं मुझे नहीं लगता अच्छा so नहीं वो वो ही है Why? वो तो फोटो में। तो वो जो ऊपर से फोटो आई है वो आप आपके अबू ने तो <laughs> जो ली है तो जब सैटेलाइट इतनी दूर जा सकती तो चांदेलाइट जा जा से थोड़ा दूर चांद तो नहीं कह रहा वो पड़ोसी है लेकिन आप मतलब देखो सटेलाइट तो क्या थाइट में दे तो देखो ना इंप्रूवमेंट हो रही है ना उसमें थ्रू आप अटैक्स कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी बढ़ता गया बेहतर होता गया लेकिन चांद वाला डिक्रीज हो गया यानी कि आप चांद पे चले गए नेक्स्ट थिंग अब आपको जुपिटर पे और वीनस पे जाना चाहिए था लेकिन आप कहते कि नहीं भाई ना अब हम पचास साल में चांद पी नहीं गए

पीएचडी है लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन सोशल ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली मैंने मीडिया से कंज्यूम किए हैं सारे लेकिन आप उन तारे तमाम मीडिया के दिए हुए इन्फॉर्मेशन के खिलाफ जाके बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो यू माइट बी राइट बट आई डोंट थिंक आर राइट नहीं नहीं यार अप, अप, अपनी, अप, अपना ओपिनियन है आई जस्ट फील के मुझे नहीं लगता कि वो गए हैं